अरे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5J। आज हमें स्टार्ट करनी थी। 5I तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं बच्चों। तो 5I के बाद 5J स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों, त्रिभुजों में समरूपता की अवधारणा को समझना जरूरी है। तो दो सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं बच्चों, तो उसमें समान आकृति की होती हैं, समान शेप होता है उनका और साइज भी उनकी समान होती है। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे जो आकृति में समान रूप के तो होते हैं परंतु समान माप के नहीं होते हैं ना। जैसे किसी फूल के पौधे में सभी फूल समान रूप के होते हुए भी समान आकार के नहीं होते हैं। वो जो आकृतियाँ होती हैं, ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो एक चीज ये भी जानिए बच्चों कि दो सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि दो समरूप आकृतियां क्या हों? सर्वांगसम हों। तो बच्चों देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन चित्रों के माध्यम से समझिए। तो ये यहाँ पर एक बड़ा बच्चा लेटा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा है। तो इसको देख के जो है ये आकृतियाँ जो है वो अलग अलग है, यानी इनका साइज जो है वो छोटा बड़ा है, मगर ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है। जैसे ये बड़ी बॉल है और ये छोटी बॉल है। इसी तरीके से देखिए, ये कार का चित्र क्या है, एक बड़ा चित्र है और एक ये छोटा है ना। तो ये आकृतियाँ जो है सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम के लिए तो दोनों चीज़ें जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, मगर ये एक दूसरे के समरूप हैं। साइकिल का चित्र देख रहे होंगे आप, और ये साइकिल है बड़ी साइकिल और ये क्या है, छोटी साइकिल। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों, कि ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अगर हम मैथ्स के चित्रों की बात करें तो ये देखिए त्रिभुज है ना। तो इसमें दो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं त्रिभुज की, एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो ये बड़ी आकृति हो गई इसकी, ये छोटी। तो ये आपस में कैसी आकृतियाँ कहलाएंगी बच्चों? समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। इसी तरीके से ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ये बड़ा चतुर्भुज है और ये छोटा चतुर्भुज है। तो इनके एंगल जो है वो एक समान है, आकृति जो है देखने में एक समान लग रही है, लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाएगा? समरूप आकृतियां कहेंगे। इसी तरीके से देखिए, ये पंचभुज है, तो ये तीनों पंचभुज क्या है? समरूप पंचभुज कहलाएंगे। अब बच्चों इस आकृति की ओर ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये आकृति आप देख रहे हैं, इसका सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और ये भी आकृति देख रहे हैं। मगर क्या ये आप लोग देख के बताइए कि क्या ये आकृतियां क्या है, एक दूसरे के समरूप है? तो बच्चों, ये आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली आकृति जो है वो वर्गाकार आकृति है और दूसरी आकृति जो है वो क्या है, वो आयत की आकृति है। तो इनमें जो संगत भुजाएं हैं, क्यों समरूप नहीं है बच्चों? क्योंकि जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में नहीं है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, मगर ये दूसरी भुजा जो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, मगर यहाँ पर दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी समरूप त्रिभुज की समरूपता के लिए ये शर्त है कि जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए, मगर इसमें संगत भुजाएं जो हैं समान अनुपात में नहीं है, इसलिए दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप आकृति नहीं होंगी। तो इससे निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनके नाप कुछ भी हों। और साथ ही बच्चों एक चीज़ और है कि अगर संगत भुजाएं जो है समानानुपात में होती हैं और इनके कोणों को अगर आप नापेंगे तो कोण भी जो है संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आया कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। और इसका विलोम भी सत्य होगा। विलोम से क्या तात्पर्य है कि यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे? समान होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अभ्यास 5J की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभ्यास 5J में पहली आकृति जो है वो उसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ABC जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर C है जो लिखा नहीं है, और PQR, ठीक है, PQR। तो इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित हैं, तो हमें X और Y का मान बताना है। देखिए बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुजों के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी भुजाएं जो हैं संगत अनुपात में होती हैं, तो भुजाएं जो हैं वो अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये इस तरीके से चित्र आपके बुक में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आप यही लिखिएगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, ठीक है। अब समरूप हैं तो यानी इसकी भुजाएं क्या होंगी? संगत अनुपात में होंगी। तो अतः
AC अपॉन BC इक्वल टू PR अपॉन QR, ठीक है। या अब AC का मान कितना है, AC की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, X, समझ में आ रहा है, X, ठीक। और बटे BC, BC का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और PQ, PR, PR कितना दिया हुआ बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 3। और यहाँ पर QR, QR भी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके अनुसार ये कैंसिल हो जाएगा और X बराबर क्या हो जाएगा 2। तो X का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में, इसलिए इसकी यूनिट भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक। अब इसी तरीके से हम दूसरी भुजाओं के लिए भी कर लेंगे, तो उसके अनुसार PQ अपान QR बराबर AB अपान BC, ठीक है। या इसी, अब इसमें यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो PQ बराबर क्या दिया हुआ है Y अपान 3, ठीक। QR का मान 3 है, AB बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और BC का मान हमारे पास में है 2। तो यहाँ पर Y बराबर क्या जाएगा बच्चों, Y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3/2, यानी 3 × 9/2, यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार Y का मान हमारे पास ज्ञात हो गया कितना, 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल किया गया इस प्रश्न को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज ABC और PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर और QR बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, ये हमें पता करना है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे वो क्या है, त्रिभुज ABC और PQR, ठीक है। तो अब चूंकि समरूप है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे, अगर हम ये ज्ञात कर लें कि भुजाएं जो है संगत अनुपात में है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब इस दोनों त्रिभुज में अगर भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख सकते हैं, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसके साथ ही त्रिभुज PQR के लिए क्या है, PQ बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर बच्चों, और QR बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC व PQR में, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, अगर ये है संगत अनुपात में है बच्चों, तो क्या होगा, त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर मान रखेंगे बच्चों, AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है 3/2, और PQ बराबर क्या दिया हुआ 7, तो यहाँ पर आ गया। BC बटे PQR दिया है, तो BC बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और QR हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या 3/7, इसका क्या मतलब हुआ कि 3/7 बराबर है 5/8, क्या बराबर है ये संख्याएं, तो ये बराबर नहीं है बच्चों। देखिए 3/7 5/8 के बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होंगे ना। तो चूंकि ये बराबर नहीं है, तो अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि भुजाएं संगत अनुपात में नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आकृति 5.51 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यहाँ पर आपको आकृति दिख रही है ना, इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं ABC और PQR, तो इसमें त्रिभुज जो है क्या है, आपस में समरूप हैं। त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक भुजा का माप दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और दो भुजाएं हमारे पास में ज्ञात करने के लिए दी हुई हैं, जबकि ABC के साथ तीनों भुजाओं की माप हमारे पास दी हुई है, और ये भी दिया है प्रश्न में कि त्रिभुज समरूप है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, समरूपता का जो है प्रमेय लगाएंगे आप, कि अगर त्रिभुज समरूप है आपस में, तो भुजाएं क्या होंगी, संगत अनुपात में होंगी। तो उसके अनुसार जो है आप इन दोनों भुजाओं को आप ज्ञात कीजिएगा। तो ये प्रश्न क्या है बच्चों, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
त्रिभुज ABC में MN BC के समानांतर है। ये दिख रहा होगा त्रिभुज, इसमें MN दिख रहा है ना, BC के समानांतर है। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। तो ABC के हमें शेष कोणों की माप बतानी है, जबकि कोण का मान दिया हुआ है 88 डिग्री अंश, ठीक है। तो क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN जो है समरूप हैं? तो यहाँ पर केवल हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज में MN भुजा BC के समानांतर है, एक कोण का मान दिया हुआ है 88, तो दूसरे जो है ABC के यानी कोण B हमें ज्ञात करना है और कोण C ज्ञात करना है, और साथ ही यह भी बताना है बच्चों कि क्या दोनों ये त्रिभुज क्या है, समरूप है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र में यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 30 अंश भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि कोण B और कोण C कितना है। बुक में आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 30 अंश का कोण जो है नहीं दिया हुआ है, आपको बना लेना है कोण M कितना है, 30 अंश है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, चूंकि दिया हुआ है MN जो है वो समानांतर है, चूंकि MN समानांतर है BC, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ प्रश्न में। और अगर समानांतर है तो इसके लिए प्रमेय है बच्चों, अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत कोण चूंकि समानांतर है, अतः संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। चित्र आप जो बुक में बना हुआ बच्चों वो फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो संगत कोण कौन कौन से हैं बच्चों चित्र के अनुसार, तो चित्र में ध्यान दीजिए, ये कोण 30 है तो संगत कोण ये वाला होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण जो है हमें ज्ञात करना है, और तो ये कोण संगत कोण होने के कारण कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण M के, और जो कि M कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरा कोण ज्ञात करना था, कोण B। अब इसके साथ बच्चों कोण C भी हमें ज्ञात करना है, तो कोण C हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण N के हो जाएगा। और कोण N हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि 180 में से अगर हम उन दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे तो हमारे पास में तीसरा कोण आ जाएगा। अब घटाएंगे क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। तो यहाँ पर घट जाएगा इसमें से, यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगेगा, तो 180 में से घटेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 118 आ जाएगा, ठीक है। अब ये घटेगा तो टोटल आ गया 62 डिग्री। तो यानी कोण C जो है हमारा और कोण N जो कि आपस में बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि ये भी संगत कोण है, और दोनों कितने होंगे, 62 डिग्री के होंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कोण C भी ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे चूंकि कोण ABC के संगत कोण त्रिभुज AMN के संगत, त्रिभुज ABC के संगत कोण जो है त्रिभुज AMN के संगत कोणों के बराबर है, बराबर है, ठीक है। अब जब संगत कोण आपस में बराबर आ रहे हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे ना। अगर कोण संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप होंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मेरा पढ़ाना बच्चों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है। तो आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।